इग्नू में किसी भी विषय से पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी सुविधा ये है कि यहाँ सीट की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी छात्र प्रवेश ले सकते हैं। साथ ही छात्र यदि अपना स्टडी सेंटर बदलना चाहता है तो देश में कहीं पर भी ट्रांसफर लेकर जा सकता है। उक्त जानकारी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की जिला समन्वयक डॉक्टर चित्रा प्रभात, अनीता पहाड़िया ने इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। इग्नू ने जुलाई 2022 वोकेशनल स्टडीज में ग्रेजुएशन डिग्री BAVT, MSME, BAVT, पर्यटन MGMT शुरू किए हैं, जो कि इस पाठ्यक्रम में अपनी तरह के पहले डिग्री कोर्स हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित BAG, BA जनरल, BCOMG, BCOM जनरल, BSCG, BSC जनरल, BSWG और BTSG आनर्स जैसे डिग्री कोर्स भी इग्नू में उपलब्ध हैं। इनके अलावा MBA की डिग्री के साथ इसी सत्र से मार्केटिंग HR में विशेषज्ञता के साथ फाइनेंस ऑपरेशंस MBA और PG डिप्लोमा भी शुरू किए गए हैं, जो AICTE से मान्यता प्राप्त हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि तिलक महाविद्यालय में संचालित इग्नू सेंटर में 85 छात्र अध्ययनरत है। वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए इग्नू में निःशुल्क कोर्स उपलब्ध है। छात्रों के लिए 2000 से अधिक इग्नू अध्ययन केंद्रों को खोला गया है, जहां निःशुल्क स्थानांतरण की सुविधा है। ऑनलाइन 250 से अधिक कोर्स इग्नू संचालित कर रहा है। वर्ल्ड क्लास सिलेबस अध्ययन सामग्री इसकी बहुत जिसे कहते हैं उत्कृष्ट, और वो अध्ययन सामग्री MP, PSC या UPSC के कॉम्पिटिशन जब बच्चे देते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, बड़ी सहायक सिद्ध होती है उनके पठन पाठन। तो इग्नू के जो कोर्सेज हैं और कोर्सेज का जो कोर्स मटीरियल है वह अपने आप में ही अद्भुत है। अद्भुत में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन तमाम जितने भी अपडेट्स हैं उनके साथ में इसको अपडेट किया गया, तो बहुत से और इसमें जो है आपको ऑनलाइन कोर्सेज को भी चीज़ों को देखते हैं, इसमें दो सिस्टम पे ओडीएल भी है और आपका ऑफलाइन भी है। कोर्सेज, कुछ कोर्सेज स्वयं पोर्टल पे भी इसके रजिस्टर्ड हैं और कोर्सेज की तो खैर भरमार है। 255 कोर्सेज ऐसे हैं हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैडम बताएंगे भी आपके साथ शेयर करेंगे इस बात को लेकर। तो इसीलिए हमने आज सोचा कि आप सभी के साथ बैठ के इस पर कुछ विमर्श किया जाए और एक ऐसा विमर्श किया जाए कि इसका जो हमारे यहाँ के जिले में हमारे जो अध्ययन केंद्र है वो तो और प्रबल हो और सशक्त हो, मजबूत हो, और छात्रों की संख्या इसमें यद्यपि आज की डेट में मैं बताऊं आपको तो हमारे पास में 85 स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स अब क्लास स्टूडेंट हैं। CA बच्चे जो कर रहे हैं, CS बच्चे जो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं फॉर्मल बात आपसे कर रही थी। मेरा ख्याल से आज कटनी जिले में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से जबलपुर से जो हमारी सहायक क्षेत्र निदेशक हैं डॉक्टर अनीता पहाड़िया मैम, उनका प्रवास हुआ और उन्होंने जो है कटनी में इग्नू के प्रचार प्रसार के लिए और ख़ास तौर से कुछ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात आज आप सबके साथ साझा की। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो जितने भी इस ज़िले के हमारे ITI सेंटर्स हैं सभी के साथ में इग्नू का MOU साइन हो चुका है और ख़ास तौर से सकल जो हमारा छात्र का जो शिक्षा के क्षेत्र में उसका अनुपात अगर हम देखें तो GER को बढ़ाने के उद्देश्य से भी जो है ये प्रेस वार्ता रखी गई है ताकि बच्चे कहीं भी हों वो अब कोर्स में अपने आप का पंजीयन जरूर कराएं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 55 कोर्सेज हमारे ऐसे हैं जिसमें ST SC के जो छात्र हैं उनके लिए शुल्क बिल्कुल जो है मुफ्त है, इसके साथ फ्री है, लेकिन उनको 300 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद उनकी किसी भी तरह की कोई भी फीस है, चाहे ग्रेजुएशन की हो, चाहे सर्टिफिकेट की हो, चाहे डिप्लोमास की हो, 55 कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी जो है ST SC के जो हमारे छात्र हैं उनको कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण जो मोड़ है शिक्षा जगत में आया है वो ये है कि हम अब ड्यूअल डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। आज के इस परिवेश में यदि हम डिग्री किसी दूसरे सब्जेक्ट से कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए अगर हम होम साइंस से कर रहे हैं तो हम दूसरे विषय में भी स्नातक पत्राचार के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ से कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं।
संसद अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो उसका उद्देश्य यह था कि वे सभी वर्ग जो किसी कारण से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए या वंचित वर्ग है या ऐसा वर्ग जो बहुत रिमोट एरियाज में रहता है जहाँ पर शिक्षा का पहुँच पाना मुश्किल है, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि हम शिक्षा को उनके द्वार तक ले जाए जो किसी कारणवश नियमित माध्यम से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं आ पा रहे हैं, तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम उन्हें शिक्षित करेंगे और इस तरीके से वो समाज के विकास में अपना योगदान। अब चूंकि विश्वविद्यालय जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विश्व की बृहत्तम संस्था है और सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी इसके अध्ययन केंद्र हैं जहाँ पर हम अपने काफ़ी सारे प्रोग्राम में करीब 250 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा कार्यक्रम इग्नू द्वारा दिए जा रहे हैं, इग्नू द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें ना सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। हम बात करते हैं उन प्रोग्राम्स की जो अभी विश्वविद्यालय ने जुलाई 2022 में लॉन्च किए हैं, जिनमें दो प्रोग्राम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम वोकेशनल कोर्सेज प्रोग्राम है, जिनमें दो डिग्री प्रोग्राम है, एक डिग्री प्रोग्राम है बीए इन टूरिज्म मैनेजमेंट और दूसरा प्रोग्राम है बीए इन एमएसएमई। मतलब बीए एमएसएमई का मतलब है बीए अब डिग्री जो है बच्चे सिर्फ हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे जैसे कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इसके अलावा अब विद्यार्थियों के पास में ये ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी ने ये ऑप्शन दिया है कि वो अब माइक्रो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उस पर अपना डिग्री ग्रहण कर सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से 3 वर्ष जो है वो विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग ले, किस तरीके से वो माइक्रो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से वो स्वयं किस तरीके से अपना व्यवसाय खोल सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ये सारी स्किल जो है इस 3 साल के प्रोग्राम में लर्नर्स को दी जाएगी। तो ये दो अति महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो कि इग्नू ने जुलाई 2022 में लॉन्च किए। वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ अब सरकार का ज़्यादा ध्यान है, चूँकि हमें पता है कि ट्रेडिशनल जो भी डिग्री कोर्सेज हैं उन्हें करने के बाद में चूँकि विद्यार्थियों के पास में रोजगार के अवसर बहुत कम रहते हैं और सीमित रोजगार के अवसर हैं तो सभी को रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए यूनिवर्सिटी ने ये बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्च की है कि डिग्री आप सामान्य मत लीजिए, सामान्य के बजाय आप उसमें लीजिए जो कि स्वयं आपको एक हेल्प दे, एक आपको सपोर्ट दे कि आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। ये दो प्रोग्राम है, एक तो है टूरिज्म मैनेजमेंट में बीए और दूसरा है आपका एमएसएम माइक्रो मीडियम और स्मॉल स्केल में शिक्षा लीजिए, आप अपनी डिग्री ले कर लीजिए। ये दो इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में इसी सेशन में लागू।